दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,071 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या आज बढ़कर 38 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली में करीब 62,000 सैंपल्स के टेस्ट किए गए हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण कंटेनमेंट जोन की संख्या भी अब 1,820 हो गई है। शनिवार शाम को जारी हुई दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 4,071 नए मामलों के साथ ही राजधानी में संक्रमितों की संख्या अब 2,42,899 हो गई है। आज नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही। दिल्ली में आज कुल 4,219 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे। इस तरह राजधानी में अब तक कुल 2,05,890 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 32,064 है। इसमें से आधे से अधिक यानी 18,648 लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि बाकी के लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। कोविड हॉस्पिटल में 7,043 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर व हेल्थ सेंटर में 1,890 और 412 मरीज इलाजरत हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 61,953 कोरोना नमूनों की जांच की गई है। अभी तक कुल 24,92,602 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। आज हुए टेस्ट में 10,681 नमूनों की जांच RT-PCR माध्यम से की गई, जबकि 51,292 नमूने रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांचे गए। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।